मेरा नाम सचिन गुप्ता है और मैं आगरा से स्टोन क्राफ्ट का काम पिछले 6-7 साल से कर रहा हूँ। मैं और मेरी फैमिली सब लोग सर्विस में थे, हम लोग को बिजनेस से कोई मतलब नहीं था। मैं तो जॉब में था, अपने आईटी में काम कर रहा था। भाई के पास व्यवसाय का काम अच्छा नहीं चल रहा था। मैंने ये देखा कि आगरा के हैंडीक्राफ्ट आइटम को मार्केट नहीं मिल रहा है, तो उनके साथ ही बैठ के ये डिसाइड किया गया कि अगर कुछ काम करना है और आगरा में ही रहना है तो क्यों ना आगरा के हैंडीक्राफ्ट से शुरुआत की जाए। तो हम लोग के अपने स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये देखा कि कुछ हैंडीक्राफ्ट में और ई कॉमर्स में करते हैं। तब हम लोग को amazon.com की टीम से लोगों ने कांटेक्ट किया और उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया कि आपके आइटम आउट ऑफ इंडिया के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते, लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, तो क्यों ना आप लोग वाई डोंट यू कम एंड लिस्ट इन US। amazon.com में 2015 के बाद से हमने जब आइटम बेचने शुरू किए तो शुरुआत हम लोगों ने जैसे चेस बोर्ड से की, उसके बाद हम लोगों ने ब्रास के आइटम, वुड के आइटम और भी बहुत सारे नए डिज़ाइन, मतलब जो भी चीज़ मार्केट में बिक सकती है और जो हम लोग बनवा सकते हैं आगरा के आसपास के हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र जैसे मुरादाबाद, अलीगढ़, जयपुर, अमृतसर, उनको ये बता के कि अमेज़ॉन की साइट पर ये आइटम बिक रहे हैं, इनके रिव्यू अच्छे हैं, रेटिंग अच्छी हैं और ऐसे कुछ आइटम हम लोग खुद तैयार कर सकते हैं, तो क्यों नहीं, वाई डोंट वी डू इट। नवनीत शर्मा जी हम लोग के साथ पिछले 3-4 साल से जुड़े हुए हैं और वो आज की डेट में हम लोग के सबसे बड़े वेंडर्स में से एक है। मुझे वेस्टर्न क्राफ्ट के साथ काम करते हुए 2.5-3 साल हो गए। मेरा 80% काम इन्हीं के लिए होता है। बाहर हमारा माल एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ के जो पब्लिक लाइक करती है हमारा प्रोडक्ट और ऑर्डर आते हैं तो हम चाहते हैं कि और हम पे लिस्टिंग करें, मतलब कि और अच्छा सुधार करें, मतलब कि तो और लाइक करें उसको, मतलब कि हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 पर आ जाए। जब से इन्होंने एक्सपोर्ट काम शुरू किया है, मैंने इनको प्रोडक्ट बेचा अपना और मेरी सेलिंग हुई तो मेरे जो बिजनेस में 25-30% का मार्जिन बढ़ा है। हम लोग जब से आए हैं इस मार्केट में तो थोड़ा सा बदलाव आया है। हम लोग उनको आइटम पहले तो बल्क में बनवाते हैं, उनको पैसा अपफ्रंट दिया जाता है और वो सब लोग हमसे जुड़े रहते हैं। वो अपने लोकल दुकानों में आइटम देने से अच्छा वो हम लोग को देना प्रेफर करते हैं, उनका हुनर ऑथेंटिक है। ऐसे काम को अगर हम लोग को वर्ल्ड वाइड लेके जाना है तो उनके हुनर से ही हम लोग कुछ बना सकते हैं, लोगों के यूज़ के भी हों और उनको लगे कि वो एक कला जो बहुत पुरानी बरसों से चल रही है वो अपने घर में यूज़ कर सकें, तो वो हैंडीक्राफ्ट भी हो और वो यूटिलिटी आइटम भी हो। जब हम लोगों ने amazon.com पे बेचना शुरू किया तो 2 साल के अंदर 2016 के एंड में हम लोग का बिज़नेस amazon.com में 50% था, मतलब हम लोग का बिज़नेस आधे से ज़्यादा बिज़नेस हम लोग को .com दे रहा था, क्योंकि amazon.com पे आइटम तो हजारों लिस्टर हैं लेकिन यूनिक आइटम ढूंढना बहुत मुश्किल है। उम्मीद है इस साल अमेज़न के थ्रू US के अलावा कनाडा, जापान, जर्मनी और डिफरेंट कंट्रीज़ को हम लोग टारगेट कर पाएंगे इस साल। मुझे इस काम से इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे साथ कम से कम 200 परिवार और जुड़े हुए हैं आर्टिसंस लोगों के, जो अपने हुनर को आगे लेके जा रहे हैं और साथ में एक अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं और उनके प्रोडक्ट्स को मैं अपने वर्ल्ड वाइड लोगों को दिखा पा रहा हूँ। इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है।